हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिक्स की तैयारी 2 दिनों में कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और आपको फिजिक्स तैयार करना है तो आप कैसे सिर्फ 2 दिन में पढ़ करके फिजिक्स में जो है कि 90% से भी ज़्यादा अंक ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फिजिक्स में 90% से ज़्यादा अंक लाना है तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो इतना गारंटी है कि आप फिजिक्स में 90% से भी ज्यादा अंक ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि सिर्फ 2 दिन में आपको फिजिक्स की एक अच्छी तैयारी कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका बोर्ड एग्जाम है और काफी करीब आ गया है, 2 दिन समय है, 3 दिन समय है, तो कैसे आपको तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपनी बुक्स उठानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी बुक्स उठानी है और उनमें से देखना है कि कितने चैप्टर को आपने पढ़ लिया है और कितने चैप्टर आपको पढ़ना है। या दो काम आपको सबसे पहले करना है कि उसमें से देखना है कि कितने चैप्टर हमने पढ़ लिया और कितना चैप्टर अभी आपको पढ़ना है। तो मान लीजिए कि उसमें 18 चैप्टर थे और उनमें से जो है कि आपने 6 चैप्टर को पढ़ लिया है और अभी 12 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो यह कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यह जो 12 चैप्टर अभी आपको पढ़ना है, इसकी तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना क्वेश्चन बैंक उठाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना क्वेश्चन बैंक उठाना है और क्वेश्चन बैंक उठा करके क्या करना है कि यह जो 12 आपके चैप्टर थे उनमें से देखना है कि इन इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, इस 12 चैप्टर में से आपको देखना है कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। तो मान लीजिए कि इनमें से जो है कि आपको 10 चैप्टर ऐसे मिल गए जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे हर साल जो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको इस 10 चैप्टर को पढ़ना है और उस 10 चैप्टर में से भी आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि जो चैप्टर आपके ज़्यादा आसान है, जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं, सबसे पहले आप उसको पढ़िए, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको कम टाइम लगेगा और कम टाइम में आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए आप थ्योरी वाले को सबसे पहले पढ़िए जो आसान हो, और उसके बाद आप न्यूमेरिकल वाले को पढ़िए। तो न्यूमेरिकल वालों को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वह कठिन भी होता है, तो इसलिए आप थ्योरी वाला पहले फोकस करिएगा और उसके बाद न्यूमेरिकल वाले को पढ़िएगा। तो आप इस तरह से आप 10 चैप्टर तैयार कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो यह 12 चैप्टर में से 2 चैप्टर आपको बच गया है, उसको अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसको आप तैयार करिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यह कम इम्पॉर्टेंट है तो इससे कम चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन आए। तो फ्रेंड्स, यह काम करना है। अगर आपका पेपर है तो इस तरह से आप फिजिक्स की पढ़ाई करिए, आप जो है कि एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं फिजिक्स की मात्र 2 से 3 दिनों में या 4 दिनों में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।